मेरे बोलिए। भाई ने एक सवाल पूछा, भाई ना तो भगवा में आतंक है, ना हरे में आतंक है, ना गुलाबी में आतंक है, आतंक व्यक्तिगत होता है, धर्म से आतंक का कोई रिश्ता नहीं है। यही बात बात तो हम कह रहे हैं भगवा, और खुलेआम बोलता हूँ, आज तक के मंच पे खड़ा होके भाई बोलता हूँ, जय श्री राम, खड़े होके बोलता हूँ, अल्लाह हू अकबर, खड़े होके बोलता हूँ, गॉड इज ग्रेट, खड़े होके बोलता हूँ, वाहेगुरु की जय, दम बोलना पड़ेगा मेरे में। ये यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद होके सॉरी भी बोल दीजिए आज, इसलिए भाई यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज, यही खड़े होके हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। मैंने बोलिए कि हमने भगवा आतंकवाद कहा, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। रोहित भाई बोलिए ना सर, बोलिए मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। आर के सिंह ने बोला, बोलिए ना, नहीं बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। धर्म से आतंक का कोई रिश्ता, बोलिए आई एम सॉरी, कोई धर्म से नहीं बोलेंगे ना, ठीक है मेरी बात पूरी। ओके सर मत बोलिए, देख लिया जिस दम के साथ बोल रहे थे गॉड इज ग्रेट, वाहेगुरु की जय, उस दम से आई एम सॉरी नहीं बोले ना भगवा आतंकवाद थोपने के लिए देश पर। किसी आतंक का कोई लेना देना नहीं है, कोई धर्म मानवता को ये नहीं सिखाता कि दूसरे मानव को मारो, ये बातें चुनाव में याद आती है सारी, ये लोग यहाँ पे सिखाते हैं, कोई धर्म नहीं सिखाता। अब मेरी बात, आप इनके प्रवक्ता हैं, आप इनके प्रवक्ता हैं, आप इनके प्रवक्ता हैं, या आप इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे खड़े हैं, खड़ों के बात कर रहा हूँ, इनके प्रवक्ता नहीं है ना, तो वो खुद अपने को डिफेंड कर सकते हैं। विश्व के लिए एक चैलेंज बना हुआ या नहीं सर? न्यूजीलैंड में जब मस्जिद में हमला हुआ कौन से करने वाले सर? तो श्रीलंका में उसका बदला हुआ कि नहीं हुआ? श्रीलंका में उसका बदला हुआ, उसको स्वीकार करते हैं आप कि बदला हुआ? क्योंकि आईसीएस ने कहा कि बदला ले रहे हैं। सामने आ गया, अरे भाई सामने आ गया ना, आप खुद वहां ले गए जहाँ नहीं ले जाना चाह रहा था मैं। सामने आ गया, अरे आतंकवाद तेरा सामने आ गया है, कोई मजहब नहीं है, ये विचारधारा है, यही हम कह रहे हैं। तो फिर भगवा आतंकवाद क्यों? हिंदू आतंकवाद क्यों सर? यही मैं हिंदू आतंकवाद, एक सेकंड, यही मैं समझा रहा था जब मैं जाकिर नाइक का जिक्र लाया था जिससे आपने पल्ला झाड़ लिया। मैं जाकिर नाइक का जिक्र इसलिए लाया था कि एक विचारधारा है, ये कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल, तो लेकिन तब आपने पल्ला झाड़ लिया था। विचारधारा है जो इंसान को ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है कि वो दूसरे की जान ले लेता। अब गौरव बल्लभ को पूरा करने देंगे।